यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो हमें चेक करना है ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। इसमें दिया है कि सिलिकॉन टू पीबी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो यहां से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है ये लिखा है, तो ये सही है क्या? तो जनरल ट्रेंड जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो होता है टॉप टू डाउन डिक्रीजेस, उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है लीड का। तो ये पी ब्लॉक में दिया होगा एनसीईआरटी में, जैसे एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो कार्बन का ग्रुप का जो इन्फॉर्मेशन का टेबल होगा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो गया, और लास्ट में लीड का तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो सिलिकॉन टू लीड जाएंगे तो डिक्रीज नहीं होता है, एक्सेप्शन है, इसमें थोड़ा सा लीड का जो वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए क्या होगा ये जो वो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट वन। तो ये एक्सेप्शन जो वो याद रखने होते हैं बस एनसीईआरटी में जो भी होंगे वो। ग्रुप फोर स्टेटमेंट टू अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एज वेल एज मेटलॉइड एलिमेंट्स। ये तो सही है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी है कार्बन, मेटलॉइड भी है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और मेटल्स भी है टीन लेड मेटल्स है, ये तो ट्रू है। तो फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।